अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. दिस इज़ द लेक्चर फॉर क्लास 6 एंड 7 फॉर बोथ क्लासेस, एंड यू नो वेरी वेल इट इज़ अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, टेंस मीन्स टू इंडिकेट टाइम और अ पीरियड. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल रिकॉल द डेफिनेशन. आई नो यू मोस्टली स्टूडेंट्स न्यू अबाउट इट, एंड they will say after watching the video, oh, it's very easy. So let's have a look on the future continuous tense, and after that you will practice it. Okay, 6 and 7 class you will just review, or you will just recall your concept of future continuous tense, and at the end I will give the diary for 6 class. Not for the 7, just for the 6th class. So 7th class you will recall the concept of future continuous tense. आप लोग सिर्फ इसको देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो जो डायरी होगी वो सिर्फ 6th क्लास के लिए होगी. सो देर इज़ द डेफिनेशन. वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस? फ्यूचर, वट डज फ्यूचर मीन? आने वाला कल. कॉन्टिन्यूस मीन समथिंग गोइंग ऑन इन कम्प्लीट एक्शन. It means the action is going on and on and on and never end. Okay, future continuous tense. So here is the definition. It is a tense in which action continues in the coming future or time. We can say that in easy wording that the action will be happening in the future but not completed. The action will be happening in the future but not completed. इन उर्दू वी हैव फॉर्मेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है. जैसे हम स्कूल जा रहे होंगे, अम्मी खाना बना रही होंगी, क्या मैं सवाल पूछ रहा होंगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. गा, गी एंड गे शोज डैट इट इज़ फ्यूचर. रही इज शोज रही, रहे, रहा इज शोज डैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस. सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होंगे वगैरह आता है. ठीक है, देर आर द एग्जाम्पल इन उर्दू. हम स्कूल जा रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. अम्मी खाना बना रही होंगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. सो लेट्स वंस अगेन रिवाइज द डेफिनेशन. आफ्टर दैट वी विल रिवाइज और वी विल सी द फॉर्मेशन. It is a tense in which action continues in the coming future or time. Students, here is the formation for affirmative sentences meaning masbat jumle. Affirmative means simple. First we put the subject, after that will be and shall be. These are the helping verbs of future continuous. Will be, shall be. Shall be is used for just I and we. And all with all subjects and all pronouns that we use as a subject, we use will be. सिर्फ shall be किसके साथ आएगा? I और we के साथ. जैसे हमने future indefinite में भी पढ़ा था, I, we के साथ shall और बाकी सबके साथ will. After that, present participle form of verb, it means that ing form in simple wording. After that, we put the object and we will make फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एफर्मेटिव सेंटेंस. लाइक हम लाहौर जा रहे होंगे, वी 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 के साथ क्या आएगा? शैल. वी शैल बी गोइंग टू लाहौर. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, विल बी या शैल बी में से एक चीज़. आई एन जी फॉर्म फॉर शोइंग डैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी शैल बी प्लस आई एन जी फॉर्म. टू लाहौर ऑब्जेक्ट, हम लाहौर जा रहे होंगे. वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, सॉरी वी शैल गोइंग टू लाहौर. खालिद नमाज अदा कर रहा होगा. खालिद सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर. ऑफरिंग कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्फिडेंट कॉन्टिन्यूस. विल बी शैल बी प्लस आई एन जी फॉर्म. ऑब्जेक्ट प्रेयर, खालिद विल बी ऑफरिंग प्रेयर. खालिद नमाज अदा कर रहा होगा. मुझे नींद आ रही होगी. आई शैल बी ड्रॉजिंग. ड्रॉजिंग यानी कि नींद आना या गुनूदगी वगैरह के लिए यूज होता है. डी आर ओ डब्ल्यू एस आई एन जी ड्रॉजिंग. इट विल एंड अदर वोकैबुलरी वर्ड. आई शैल बी ड्रॉजिंग.
Negative formation, first we recall the affirmative subject will be, shall be plus ing form plus subject. Now we have negative formation, manfi formation hai jo manfi jumlon ki of future continuous. Subject plus will not be, shall not be. Will और shall के बाद not आना है. कुछ बच्चे will be not लिखते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना. आपने जो main helping verb है वो है will और shall, उसके बाद हमने not लगाना होता है. जो main helping verb होता है उसके बाद, ये जो be होता है ये जो हमने future indefinite पढ़ा होता है ये उसको उसको balance करने के लिए हम लगाते हैं. यानी कि हमने ये पढ़ा था future indefinite में कि will and shall के साथ first form लगती है, तो उसकी प्रायोरिटी को भी तो हमने पूरा करना है ना. तो हम डायरेक्ट विल आई एन जी फॉर्म तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम बी लगाते हैं इसके साथ. विल बी, तो ये हम उसकी फ्यूचर इंडेफिनेट की डिमांड पूरी करते हुए आगे कॉन्टिन्यूस शुरू कर देते हैं. ठीक है, विल बी आई एन जी फॉर्म, तो फिर इसका मतलब है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है. विल नॉट बी, विल और शैल के बाद नॉट आना है. जितने भी सेंटेंसेज आगे आप करेंगे परफेक्ट परफेक्ट के परफेक्ट कॉन्टिनेंस में, उसमें यही है कि मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जो मेन, और उसके बाद नॉट आता है, और उसके बाद आगे जो बींग बीन ये चीज़ें यूज होती हैं वो पिछला जो सेंटेंस हमने किया होता है उसकी प्रायोरिटी पूरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे हम यहाँ पर बी यूज़ करते हैं, विल नॉट बी प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ. बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, विल विल नॉट बी. सो हियर इज अ एग्जाम्पल, सेम सेंटेंसेस आई विल रिवाइज इट एज इन अ चेंज इट इन टू नेगेटिव. हम लाहौर नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू लाहौर. Shall be plus ing form future continuous, shall not be plus ing form future continuous negative sentences. हम लाहौर नहीं जा रहे होंगे, we shall not be going to लाहौर. खालिद नमाज नहीं अदा कर रहा होगा, खालिद will not be offering prayer. मुझे नींद नहीं आ रही होगी, I shall not be drowsing. ठीक है, after that we have interrogative formation, that is सवालिया जुमले. Will and shall at the start of the sentence, and after that we put the subject, and after that we use be. After that ing form, and then object, and at the end question mark. Question mark is very necessary for interrogative. Kya hum lahore ja rahe honge, shall we be going to lahore. Will aur shall mein se ek cheez aa gayi hai, uske according to the subject. After that we put the subject and be and going for continuous to Lahore object and question mark. क्या खालिद नमाज अदा कर रहा होगा, will खालिद be offering prayer. क्या मुझे नींद आ रही होगी, shall I be drowsing question mark. These are the interrogative formation. Here is the complete example of negative interrogative formation, negative plus interrogative and W's question. आलिया सबक याद कर रही होगी, आलिया will be learning lesson. जब अपना आता तो भी मैंने हर करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना नहीं है. खालिद सबक, सॉरी आलिया सबक याद कर रही होगी, आलिया विल बी लर्निंग लेसन. आलिया सबक याद नहीं कर रही होगी, आलिया विल नॉट बी लर्निंग लेसन. क्या आलिया सबक याद कर रही होगी, विल आलिया बी लर्निंग लेसन. आलिया क्या आलिया सबक याद नहीं कर रही होगी, विल आलिया नॉट बी लर्निंग लेसन. आलिया सबक क्यों याद कर रही होगी, वाई विल आलिया बी लर्निंग लेसन. आलिया सबक क्यों नहीं याद कर रही होगी, वाई Why will Alia not be learning lesson? Question mark. Why W's question जब आएंगे तो उनको हमने पहले लिखना है, उसके बाद हमने helping verb लगाना होता है. तो इसके जो helping verb है will है, after that हम subject लगाएंगे, फिर be लगाएंगे अगर negative है तो, यानी जैसे ये last वाला है, ये इसके अंदर negative W question plus negative interrogative सब कुछ है. जैसे why will Alia not be learning lesson, आलिया सबक क्यों नहीं याद कर रही होगी. ओके, सो इट मीन्स डैट इट इज़ अ टेंस इन विच एक्शन कॉन्टिन्यूज इन द कमिंग फ्यूचर और अ टाइम. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी शैल बी प्लस आई एन जी फॉर्म. सो स्टूडेंट हियर इज द एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. आई डैश वाटर फॉर द कैनाल.
ऑफ द किनाल. विल नॉट बी ड्रिंकिंग, शैल नॉट बी ड्रिंकिंग, विल ड्रिंक, शैल ड्रिंक. आई के साथ क्या आना है? शैल. शैल नॉट बी ड्रिंकिंग, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. शी विल नॉट बी डैश द न्यूज़. अब यहाँ पे विल भी है, नॉट बी भी है, लेकिन क्या नहीं है? आई एन जी फॉर्म नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है रीड, रीड्स, रीडिंग, ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन क्या है? रीडिंग. नेक्स्ट इज डैश वी बी डैश एट योर डोर. विल है, वी है, तो वी के साथ क्या आएगा? शैल. और उसके बाद बी के बाद आई एन जी फॉर्म लगानी है. तो अब हम यहाँ से देखते हैं कौन सी ऑप्शन राइट है. शैल नॉक, विल नॉक, शैल नॉकिंग, विल नॉकिंग. तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. शैल वी बी नॉकिंग एट योर डोर. वी डैश लिसनिंग म्यूजिक. शैल, शैल बी, विल बी. वी शैल बी, बी ऑप्शन. दे विल नॉट बी डैश अ पिक्चर. विल भी है यहाँ पे, नॉट बी है, बी भी, आई एन जी फॉर्म रह गई. ड्रॉ, ड्रॉज, ड्रॉज, ड्रॉइंग. डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द डॉग्स डैश इन द स्ट्रीट. विल बी बार्किंग, विल बार्क, शैल बी बार्किंग, नन ऑफ दिस. द डॉग्स विल बी बार्किंग. सिर्फ शैल किसके साथ आना है? आई और वी के साथ. आई डैश इन द ग्राउंड. शैल प्ले, शैल हैव प्लेड, शैल प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग. डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. आई शैल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड. मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँगा. सो स्टूडेंट, दैट्स योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड देर आर द सम ट्रांसलेशन सेंटेंसेज. यू विल ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश. मैं सो नहीं रहूँगा. फर्स्ट यू राइट योर द सेंटेंसेज ऑन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू विल ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. मैं सो नहीं रहा हूँगा. उस्ताद तलबा को सजा दे रहा होगा. ठीक है, पनिशिंग आता है सजा देने की. क्या नजमा वक्त ज़ाया कर रही होगी? वेस्टिंग, ज़ाया करने को कहते हैं. अब अखबार पढ़ रहे होंगे हम, इम्तिहानात की तैयारी कर रहे होंगे. इम्तिहानात की तैयारी होते प्रिपेरिंग, प्रिपेरिंग एग्जामिनेशन. ओके, सो राइट दी सेंटेंसेज ऑन योर नोटबुक एंड ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश. दीज आर आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. विल बी, शैल बी, प्लस आई एन जी फॉर्म. सिक्स क्लास योर डायरी इज डू ट्रांसलेशन एंड लर्न डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अल्लाह हाफिज़.